AK-47 यहाँ पर एंट्री फ्रैगर को टेक डाउन करता नजर जरूर आ रहा है। काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, लेकिन ये ग्रेनेड शायद थोड़ा और हेल्प कर सकता है और करेगा भी। 20 का ग्रेनेड वेस्ट गॉड और एश को लेकर के जाता हुआ ओजी इस समय अलग अलग टुकड़ों में बिखर चुकी है, जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ट्रिगर के ऊपर बाहर आता है, उजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे वेपन स्विच करके क्या कमाल कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट AKOPU भी उसी एरिया में उसी घर में आ चुके, मतलब फाइट लेने की पुरजोर कोशिश रहने वाली है। AKOPU खुद को सेफ रखेंगे, बट ट्रिगर ऐसे में एक अलग कड़ी बन सकते हैं। FPS स्पोर्ट्स का सफाया हो चुका है, मैडमैन को देख चुके, टीपीपी का एंगल लेकर के AKOPU ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। ट्रिगर की भी कोशिश है पुरजोर, लेकिन वहीं पर ओजी ने नंबर्स कर दिए। इवन स्टीवंस अगर वो फिनिश कर देते हैं तो यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है दिख रही है। यहां पे 8 बेट उन्होंने शुरुआत काफी अच्छी करी थी, 20 के नेट का जवाब थे, बट ओजी ने इस गैंग के अंदर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, रीसेट करा और नाउ दे आर ऑन द अटैक फेज। अब इस फाइट के अंदर ओजी के दो प्लेयर जिंदा है, जूसी अकेले बचे जो अभी घर से बाहर है, और एक प्लेयर ग्राउंड फ्लोर पर उनका वेट करे, दैट इज सूर्या द लेटेस्ट एडिशन। अल्ट्रॉन की एब्सेंस संभालते हुए अब ये एक प्लेयर आया है एंड नाउ दे वांट टू टेक द प्लेयर फ्रॉम द ओरंगटन साइड। जूसी एंड सूर्या दोनों प्रोन करके वेट करे, वहीं पे रिवाइवल दे रहे हैं। अगर ये रिवाइवल पॉसिबल हो गया देन 8-bit ने जो एडवांटेज क्रिएट करी थी नेट से वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगी। सूर्या काफी गलत पोजीशन के अंदर वोल्ट करके गए, मुझे लगता नहीं है कि ये फायदेमंद रहेगा, और सूर्या को कर दिया कंप्लीट। नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन, बट ओजी का एक प्लेयर नॉक हो रखा है और AKOPU इस वक्त गोल गोल घुमा रहे हैं और जूसी यहां पे कंप्लीट करेंगे ट्रिगर को। नाउ अर्बन चला गया, और मुझे तो ये चीज हैरान हो रही है कि अभी हम सर्कल मिलता के अंदर है और जो टीम मिलता उतरती है वो ही क्या हो चुकी है, दैट इज एक्सो। और यहां पर जूसी काफी ज्यादा दूर थे, विक्सी डूब कर अपनी जान दे देंगे बट फिनिश नहीं देंगे सामने वाले को। दलजीत भाई रेवेनेंट के क्यूआर कोर कर दिया नॉक, सुनामी भी रॉबिन की मिनी 14 का शिकार होते हुए रेवेनेंट दो प्लेयर खो चुके हैं। यहां पर केमिन ने टॉप डॉग ने दो प्लेयर यहाँ पे टॉप डॉग एंड उनके जो सहपाठी थे इनको वो गेम से बाहर। सर्कल पानी की तरफ जाता है, शोर की तरफ आता है, नो डाउट टोल के पास एडवांटेज होगी, बट व्हाट इफ हो चुके हैं पैराडॉक्स क्यों को रिवाइव देंगे, दोनों वापसी करेंगे, बट केमिन प्लेइंग इन ओपन, उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि आसपास और कितनी टीम्स हैं जो उनको परेशान कर सकती है। कैमेन सर्कल पार करना है उनको, उन्होंने ब्रिज पार कर लिया बट ये सर्कल की जो अगली कड़ी होगी उसको पार करना पड़ सकता है। शोर लाइन से जा जरूर सकते हैं, सर्कल इज वेरी गुड फॉर देम, वो शोर लाइन से प्रॉपरली रोटेट कर सकते हैं, कोई उनका बाल भी शायद बांका ना कर पाए। वहीं पर रेवेनेंट के खिलाड़ी जो हैं क्योया और पैराडॉक्स अभी भी तैयार हैं फाइट लेने के लिए। इनसेन के आधी सामने की तरफ को दिखाई दिए, जस्टिन को वो कॉल आउट डेफिनेटली गया होगा अपने टीममेट्स की तरफ को, और बाकी इनसेन के खिलाड़ी भी दिख चुके हैं उनके द्वारा। जूसी उनको जोनाथन टेक डाउन करते नजर आएंगे, गॉडले के पास 3 फिनिश, जोनाथन ने अभी अपना खाता खोला है। जोनाथन स्टार्टेड विद स्ट्रॉन्ग, अभी लीडर है हमारे, वो के पास 12 फिनिशेस है, ऑलमोस्ट 10-12 फिनिशेस है, एक और उन्होंने अपने खाते में लिख लिया। बट अब केमिन ईस्पोर्ट इनसेन की तरफ गोलियां दागते हुए, बट लेफ्ट वाले कंपाउंड में भी टीम्स हैं, यहाँ पर फार्म एरिया के आसपास आपको टीम एनिमा फॉरएवर